हेलो एवरीवन, ये मेरा लेक्चर नंबर 30 है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया H2SO4 का फिल्ट्रेशन बाय कांटेक्ट प्रोसेस और उसका प्रॉपर्टीज, मैंने 6 प्रॉपर्टीज से बता दिया है। आज देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज नंबर 7 ऑफ H2SO4। तो प्रॉपर्टीज नंबर 7 में देखते हैं, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर या ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। लिखते हैं कि कंसंट्रेटेड H2SO4 acts as a strong oxidizing agent. क्यों? तो due to formation of nascent oxygen. आप देख सकते हैं H2SO4 ये बनाएगा H2O plus SO2 plus nascent oxygen। इसी nascent oxygen के कारण H2SO4 एक strong oxidizing agent का काम करता है। इसमें आप देख सकते हैं example में कि concentrated H2SO4 oxidizes, इसको किसको oxidize कर सकता है? तो A number P4 को H3PO4 में, मतलब फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन का ये फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज कर दिया। बी नंबर I2 को ये ऑक्सीडाइज कर देगा HIO3 में। यहाँ पे देखिए I2 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, HIO3 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। सी नंबर कार्बन को ये ऑक्सीडाइज कर देगा CO2 में। डी नंबर ये सल्फर को भी ऑक्सीडाइज कर देगा SO2 में। तो आपको बता देते हैं रिएक्शन, देख लीजिए कैसे बनाना है इसको, कैसे ऑक्सीडाइज करेगा। तो सबसे पहले कंसंट्रेटेड बोला है तो आप सब में ये वाला रिएक्शन लिख लीजिए पहले। तो सबसे पहले देख रहे हैं P4 को ऑक्सीडाइज करने जा रहा है किसमें, तो H3PO4 में। आप रिएक्शन देखिए कि H2SO4 बनाएगा ये H2O plus SO2 plus nascent oxygen, राइट। अब मैंने बताया था कि जिसको ऑक्सीडाइज करना है उसको रिएक्टेंट में, जिस चीज में ऑक्सीडाइज करना है उसको प्रोडक्ट में लीजिए, राइट। नेसेंट ऑक्सीजन सब में लेंगे, जिसको ऑक्सीडाइज करना सब में लेना पड़ेगा। और अगर हाइड्रोजन है प्रोडक्ट में तो आप यहाँ पे वाटर लीजिए, अगर यहाँ नहीं है हाइड्रोजन तो यहाँ वाटर लेने की जरूरत नहीं है। अब बैलेंस कीजिए, यहाँ फास्फोरस 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 4 लेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 6 ले लेते हैं। ऑक्सीजन 4 पे 16 है, 6 यहाँ पे ले चुके हैं, तो यहाँ पे हमको लेना होगा 10। यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन 10 है और यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन 1 है, तो इस पूरे इक्वेशन को गुना कर दे 10 से। अब क्या होगा, ये 10 नेसेंट ऑक्सीजन और ये 10 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो गया। इधर 10 मोल वाटर है, यहाँ पे 6 मोल वाटर है, तो ये 6 का क्या होता है, 4 मोल बच जाएगा। अब बाकी लिख सकते हैं P4 plus 10 H2SO4 concentrated, ये बनाएगा 4H3PO4 plus 10 SO2 plus 10 था, 6 चला गया था, तो यहां बचा 4 मोल ऑफ वाटर, दैट्स इट। ये हो गया। बी नंबर भी देख लीजिए, बी नंबर भी I2 को ये ऑक्सीडाइज कर रहा है HIO3। अब फिर से आप H2SO4 लीजिए, H2SO4 ये बनाएगा H2O SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ओके। अब क्या करना है कि I2 को हमको ऑक्सीडाइज करना है किस चीज में, तो HIO3 में। ऑक्सीडाइज करने के लिए नेसेंट ऑक्सीजन लेंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। अब क्या करना है, आयोडीन दो, हाइड्रोजन दो, बैलेंस के लिए यहाँ दो लगा दिए, ऑक्सीजन 6 है, एक ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 5 नेसेंट ऑक्सीजन। या नेसेंट ऑक्सीजन 5 है या नेसेंट ऑक्सीजन 1 है, तो इस पूरे इक्वेशन को गुणा कर देंगे 5 टाइम्स, राइट। तो ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन
ये 5 में से ऑक्सीजन कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या होगा, इधर 5 मोल वाटर है, यहाँ 1 मोल वाटर है, तो ये 5 मोल वाटर से 1 मोल चला गया तो 4 मोल बच जाएगा। अब बाकी आप लिख सकते हैं I2 प्लस 5H2SO4 बनाएगा 2HIO3 प्लस 5SO2 प्लस 4H2O, राइट, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं सी नंबर, और ये भी कंसंट्रेटेड है। सी नंबर है कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में C into CO2 में, राइट। अब आप देख सकते हैं कि H2SO4, इसको हम लिख सकते हैं H2O SO2 प्लस में से ऑक्सीजन। अब कार्बन को हमको ऑक्सीडाइज करना है CO2 में, अब क्या करें, दो हम लोग ले लेते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये रिएक्शन देख लीजिए, बैलेंस है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो वाटर का मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन एक है, यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन दो है, नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ एक है, यहाँ पे दो है, तो इस इक्वेशन को बराबर करने के लिए यहाँ पे गुणा कर देंगे दो से, ये दो नेसेंट ऑक्सीजन, ये दो नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो गया। बाकी लिख दीजिए आप सी प्लस 2H2SO4 कंसंट्रेटेड, ये बनाएगा 2H2O प्लस 2SO2 प्लस CO2, ठीक। देख लीजिए रिएक्शन बैलेंस है, ऑक्सीजन 8 है तो 2, 4, 6 और 2, 8, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग डी नंबर, सल्फर को ऑक्सीडाइज करने जा रहा है ये SO2 में, राइट। अब क्या करें कि H2SO4 ये बनाएगा H2O प्लस SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब जिसको ऑक्सीडाइज करना उसको रिएक्टेंट में, जिस चीज में करना उसको प्रोडक्ट में, नेसेंट ऑक्सीजन लेना पड़ेगा ऑक्सीडाइज करने के लिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो वाटर लेते, नहीं है तो नहीं लेंगे, ऑक्सीजन यहाँ दो है तो यहाँ पे दो ले लीजिए। अब देख लीजिए बैलेंस है, अब यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन दो है या नेसेंट ऑक्सीजन एक है, फिर से इसको गुणा करेंगे दो से, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये दो नेसेंट ऑक्सीजन, ये दो नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, तो ये बचा एस प्लस 2H2SO4, ये बनाएगा 2H2O प्लस 2SO2 और 1SO2, दैट इज 3SO2। हम लोग आर भी देख सकते हैं ये कि ई नंबर कि ये HCl को भी ऑक्सीडाइज कर देगा इसमें Cl2 में। अब रिएक्शन देखिए कि H2SO4 ये यहाँ पे क्या करेगा कि H2O प्लस SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, राइट। अब जिसको ऑक्सीडाइज करना है रिएक्टेंट में, जिस चीज में करना है उसको हम लोग इसके प्रोडक्ट में, अब क्या करेंगे नेसेंट ऑक्सीजन लेंगे। अब यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ पे दो लेंगे, अब यहाँ पे हो जाएगा वाटर यहाँ पे लेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो गया। अब क्या लिखेंगे कि H2SO4 प्लस 2HCl, ये बनाया H2O प्लस SO2 प्लस Cl2, ये हो गया इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसका, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 8 देखने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 8, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये प्रेसिपिटेट बनाएगा। देखते हैं कि H2SO4 रिएक्ट्स विथ सॉल्ट्स ऑफ बेरियम एंड लेड टू फॉर्म इनसॉल्युबल सल्फेट। जैसे कुछ एग्जांपल देख लीजिए आप कि ले ले हम लोग BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4, राइट, या फिर ले ले हम लोग PbNO3 का होल टू प्लस H2SO4। मैंने आपको बताया था ब्राउन रिंग टेस्ट में कि सारा नाइट्रेट का सॉल्ट
ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन नहीं करता है, जिसमें मैंने लेड नाइट्रेट के बारे में बताया था, क्योंकि ये इनसॉल्युबल सल्फेट बनाता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बनाएगा, इनसॉल्युबल सल्फेट BaSO4, राइट। यहाँ पे ये बनाएगा PbSO4, ये भी प्रेसिपिटेट है, प्लस यहाँ बनाएगा 2HCl, और ये बनाएगा 2HNO3, और ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट है, और ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट है। इसलिए इस रिएक्शन को बोल रहे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। रिएक्शन नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं 9, रिएक्शन विथ मेटल्स। दो तरह का मेटल्स हम यहां देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं कि हाइड्रोजन बीच में होता है, कुछ मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है और कुछ मेटल हाइड्रोजन से नीचे है, रिड्यूसिंग नेचर के आधार पे, राइट। तो हम लोग देखेंगे कि लिखेंगे कि मेटल्स सच एज, जैसे मैं मेटल में Mg, Zn, Al, ओके, etc रिएक्ट्स विथ, Fe भी ले सकते हम लोग, Fe रिएक्ट्स विथ H2SO4 to form metal sulfate and dihydrogen gas release करेगा। रिएक्शन देखिए कि Fe plus H2SO4 ये बनाएगा FeSO4 plus H2, Zn plus H2SO4 ये बनाएगा ZnSO4 plus H2, ये बनाएगा Mg plus H2SO4 ये बनाएगा MgSO4 plus H2। और भी आप देख सकते हैं मेटल्स में, लिखेंगे कि Al एल्यूमिनियम प्लस H2SO4 ये बनाएगा Al2SO4 का हॉल 3 प्लस H2। बैलेंस करेंगे, यहां दो ले लेते हैं और यहां पे तीन ले लेंगे, तीन यहां भी ले लेंगे, राइट। अब लिखेंगे दूसरा मेटल्स जो हाइड्रोजन से नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, कि मेटल्स सच एज कॉपर, Ag, Hg, etc रिएक्ट्स विथ किसके साथ, H2SO4 टू गिव मेटल सल्फेट एंड SO2 गैस और वाटर। जैसे मैं आप देख लीजिए Cu प्लस 2H2SO4 ये बनाएगा CuSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O, इसी टाइप 3 Ag प्लस H2SO4 ये बनाएगा Ag2SO4 प्लस SO2 प्लस H2O। बैलेंस कीजिए, Ag2 है तो यहाँ पे दो लेंगे, H2 है तो है ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे बैलेंस नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2 ले लेते हैं और 2 यहाँ भी ले लेंगे, तो देखते हैं कि 2 और 2 4 और 4 8 को चौके 8 ऑक्सीजन है। अब Hg प्लस H2SO4 ये बनाएगा HgSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 ले लेंगे। ये था रिएक्शन विथ मेटल्स। अब हम लोग को पढ़ना है ऑक्सो या फिर ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। जैसा कि मैंने पहले पढ़ाया आपको कि ऑक्सो या ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, ऑक्सी एसिड का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड, कि वैसा एसिड जो ऑक्सीजन कंटेनिंग करता है उसको कहते हैं ऑक्सो एसिड, अगर नहीं कंटेन करेगा ऑक्सीजन तो उसको हम कहते हैं हाइड्रो एसिड। अब हम जानते हैं कि सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, तो हम देखते हैं कि 2, 4, 5, 6, राइट। अब हम देखते हैं सबसे पहला नाम आता है H2SO3 का, नाम है इसका सल्फ्यूरस एसिड। अब आप जानते हैं कि सल्फर का डबल बॉन्ड यानी ऑक्सीजन के साथ है, ये OH है
दो एक लोन पेयर होगा, क्यों दो इलेक्ट्रॉन और वन लोन पेयर, क्यों ऐसा रूल लिखे है पढ़ दीजिए आप कि 1 2 3 4 5 6 तो एक लोन पेयर है। अगर बेसिसिटी की बात करें दो को यहाँ पे एच प्लस आयन यहाँ पे रिलीज कर सकते हैं इससे तो निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इसका कि बेसिसिटी जो है वो टू है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इधर, नेक्स्ट देखते हैं कि दूसरा नंबर कि H2SO4 राइट, H2SO4 मींस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां भी दो दो चार बॉन्ड, पांच और एक छह। अगर इसका भी बात करें बेसिसिटी का तो ऑब्वियसली इसका भी बेसिसिटी तो होगा क्योंकि यहां पे दो टू हो गए छोटे मींस यहां से हम दो टू एच प्लस आयन को रिलीज कर पाएंगे, अब बेसिसिटी इसका हो गया दो। तीसरा अच्छा इसका नाम क्या चीज है, तो नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। कब लगाते हैं ई, कब लगाते हैं अस, तो मैंने बताया आपको कि अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है तो हम लगाते हैं ई, अगर कम ऑक्सीडेशन नंबर में है तो लगाते हैं हम लोग अस, और बहुत कम में है तो हम लगाते हैं वहां पे हाइपो राइट। तो अगर दूसरा देखें तो H2S2O3 इसका नाम हो गया थायो, थायो सल्फ्यूरिक एसिड राइट, थायो सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं इसका कि +1 × 2 + 2x - 2 × 3 0 तो 2 + 2x - 6 0 तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x - 4 0 तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x² कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा राइट। अब हम इसके स्ट्रक्चर देखें तो सल्फर सल्फर को आपस में जोड़ दीजिए, अब यहाँ पे क्या कीजिए कि डबल बॉन्ड एक OH, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सल्फर दो है तो यहाँ भी दो है, ऑक्सीजन तीन है तो तीन है, और हाइड्रोजन दो है तो यहाँ पे दो है, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है राइट। फोर्थ नंबर देखते हैं हम लोग H2S2O6 नाम है इसका डाई थायोनिक एसिड। अब यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो +1 × 2 + 2x - 2 × 6 = 0 तो 2 + 2x - 12 = 0 2x - 10 = 0 तो x = हो जाएगा +5। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछता है एग्जाम में कि कौन सा सल्फर का ऑक्सी एसिड है जिसमें सल्फर +5 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, तो उसका आंसर है यहाँ पे डाइथायोनिक एसिड, क्योंकि मैंने बताया था कि ग्रुप 16 में जनरली शो करता है -2 + 2 + 4 + 6 लेकिन सल्फर या एक्सेप्शनली +5 भी यहाँ पे शो किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड है सल्फर का जिसमें सल्फर +5 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है राइट। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो सल्फर को आपस में यहाँ पे लिंक कर देते हैं, डबल बॉन्ड ओ अटैच करते हैं, यहाँ भी डबल बॉन्ड ओ अटैच करते हैं ओ एच, यहाँ भी डबल बॉन्ड ओ अटैच करके, यहाँ भी डबल बॉन्ड ओ अटैच करके ओ एच राइट। अब आप काउंट कर सकते हैं सल्फर का छह है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 5 6 सही है, यहाँ भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 सही है। तो अगर बात करें इसका नेक्स्ट ऑक्सो एसिड का तो वो है H2S2O7 नाम है इसका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड राइट। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा कि इसमें सल्फर भी यहाँ पे जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का निकाल लेते हैं पहले लोग कि +1 × 2 2 + 2x - 2 × 7 = 0 तो 2 + 2x - 14 = 0 तो 2x - 12 = 0 तो x = +6 राइट। अब इसका स्ट्रक्चर बनाए तो दो सल्फर है यहाँ पे राइट, और दोनों का अपना अपना छह छह बॉन्ड है, 4 5 6 इसका भी देख लीजिए आप, इसका भी हो गया 6 और दोनों को आपस में यहां से जोड़ दीजिए ऑक्सीजन के थ्रू से राइट। नंबर हो गया यहाँ पे 6 H2S2O8 एक्सेप्शनली
इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर भी है क्योंकि यहाँ पे दिखेगा कि प्लस सात है लेकिन सल्फर प्लस सात तो शो करता नहीं है, मैक्सिमम प्लस सिक्स शो कर सकता है। अब देख लीजिए यहाँ पे कि प्लस वन इंटू टू प्लस टू एक्स माइनस टू इंटू एट इक्वल टू जीरो, तो टू प्लस टू एक्स माइनस सिक्सटीन जीरो, तो टू एक्स माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस सात, जो कहीं से भी सही नहीं है क्योंकि सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सिक्स तक ही शो कर सकता है, इसलिए यहाँ पे ये सही नहीं है। अगर हम लोग देखें कि क्या सही है तो इसमें हम लोग पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका कि सल्फर का अपना अपना बॉन्ड बना ले हम लोग, पहले इधर भी देख लीजिए इतना तो सब कुछ कर लेंगे, छह छह बॉन्ड है अपना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को लिंक कर दीजिए। अब सिंगल बॉन्ड है तो OH यहाँ भी है OH, ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया एक दो तीन चार पांच छह बट आठ है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। कभी भी अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में जुड़ा हुआ है तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग माइनस वन लेते हैं, यानी पर ऑक्साइड का ये केस है। अब हम लोग अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहें H2OS H2O8 का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, तो सल्फर का ऐसे निकालेंगे कि प्लस वन इंटू टू प्लस टू एक्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन है, दो होगा, यहाँ पे आठ ऑक्सीजन है, आठ में दो का माइनस वन है, यानी माइनस वन इंटू टू, तो जो बच गया उसका माइनस टू इंटू सिक्स इक्वल टू जीरो, तो टू प्लस टू एक्स माइनस टूल्व इक्वल टू जीरो, टू प्लस टू एक्स माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो, टू एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स। अगर इसका नाम लिखना है तो आप देख रहे हैं कि पर ऑक्साइड का लिंकेज है, तो इसका नाम लिखेंगे पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक, डाई क्यों बोले दो सल्फर है, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अब लोग नेक्स्ट अगर देखें ऑक्सो एसिड का तो वो होगा नंबर सिक्स है, लास्ट है नंबर सेवन, इसका नाम है H2SO5। पहले इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि S डबल बॉन्ड O OH O OH, यहां भी पर ऑक्साइड का लिंकेज दिखा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में जुड़ा हुआ है, तो यहां भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेंगे माइनस वन, माइनस वन ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन आपस में क्या किया हुआ है, जुड़ा हुआ है। कभी भी ऐसा लिंकेज दिखता है आपको इस टाइप का आपस में, तो वहां पे हम लोग माइनस वन, जैसे हम लोग देख सकते हैं H2O2 में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, सोडियम पर ऑक्साइड में, राइट। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका इसमें तो पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में भी देखें। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें H2SO5 में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले सल्फर का, तो देखते क्या होता है कि प्लस वन इंटू टू प्लस एक्स, पांच ऑक्सीजन में दो का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन है, तो माइनस वन इंटू टू, बाकी जो बच गया उसका माइनस टू इंटू थ्री जीरो, तो टू प्लस एक्स माइनस टू माइनस सिक्स जीरो, टू प्लस एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस सिक्स, और इसका नाम हो गया पर ऑक्सो, पर ऑक्सो एक सल्फर है तो नाम हो गया मोनो और सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। जिसमें हम लोग इसको कार्बोज एसिड के नाम से भी जानते हैं, और H2S2O8 को हम लोग मार्सल एसिड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है कि कौन सा मार्सल एसिड दे देगा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2S2O8 H2S2O7 H2SO3 H2SO4, तो द आंसर इज H2S2O8 का कार्बोज एसिड कौन है, तो H2SO5। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट हैलोजन्स, और उसमें बताएंगे कि ग्रुप 17 को हम लोग बोलते हैं हैलोजन्स। हैलोजन एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, हैलो का मतलब होता है साल्ट्स और जन्स का मतलब होता है प्रोड्यूसर, साल्ट प्रोड्यूसर्स को ही हम लोग बोलते हैं हैलोजन्स। जिसमें हम लोग देखते हैं कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन
एंड एस्ट्राटाइन जो है वो ग्रुप 17 का मेंबर है, और जितने भी ग्रुप 17 के एलिमेंट है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, इसीलिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2NP5 होता है। यार वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक